हेलो एवरीवन, आई एम अंकित कुमार एंड आई वेलकम यू ऑल टू एजुकेशन सर्किट एंड आई होप योर प्रिपरेशन फॉर एफकेट एग्जामिनेशन वुड हैव बीन गोइंग ऑन वेरी वेल। देखिए, काफ़ी सारे लोगों का ये क्वेश्चन था कि सर एफकेट एग्जामिनेशन के लिए कौन सी बुक्स हमको फॉलो करनी चाहिए। ओके, तो देखो आज की क्लास में हम देखेंगे कि आपको कौन कौन सी बुक्स फॉलो करनी चाहिए। और देखो आजकल एक ट्रेंड चल रहा है, आजकल बच्चों के दिमाग में ये चल रहा है कि एफकेट एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए हमको कोर्सेज परचेज करने की ज़रूरत है। ओके, तो देखो ऐसा कुछ भी नहीं है, सेल्फ स्टडी से भी आप बड़े आसानी से एफकेट एग्जामिनेशन को नॉट ओनली क्लियर कर सकते हैं बट ऑल्सो आप इसमें अच्छा परफॉर्म भी कर सकते हैं। अच्छा परफॉर्म का मतलब आप इसमें 240-245 तक भी ला सकते हैं विद सेल्फ स्टडी। तो देखिए आज हम देखेंगे कि कौन कौन सी बुक्स आपको फॉलो करनी है। देखो एफकेट एग्जामिनेशन के लिए यदि हम केवल एक बुक की बात करें कि हाँ भाई ये बुक हो तो हम इससे एफकेट एग्जामिनेशन को क्लियर कर लेंगे, तो देखो बेटा ऐसी तो कोई बुक है नहीं किसी भी एग्जामिनेशन के लिए जो कि केवल एक ही बुक उसके लिए पैनिशिया बन जाए कि भाई इसको पढ़ जाओ तो चारों सेक्शंस इससे कवर हो जाएंगे। नहीं होंगे, ठीक है, कोई भी ऐसी एक परफेक्ट बुक नहीं है जिसको मैं ये बोल दूं कि भाई आप इसको पढ़ के चले जाओ इससे आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा आजकल के जमाने में। क्यों? क्योंकि आजकल एफकेट का जो पैटर्न है वो थोड़ा एसएससी की तरफ को जाता हुआ जा रहा है और ये अपना लेवल थोड़ा बढ़ा रहे हैं। हर सेक्शन में जो क्वेश्चन का लेवल है वो थोड़ा बढ़ता हुआ जा रहा है, डिफिकल्टी थोड़ी सी बढ़ती हुई जा रही है। आज से 4-5 साल पहले यदि हम बात करें तो हाँ मैं बोल सकता था कि भाई एफकेट की अरिहंत की जो बुक है दैट इज़ सफिशियंट एंड यू कैन क्लियर योर एग्जामिनेशन बाय स्टडिंग ओनली दैट बुक। ओके, बट नाउ डेज थिंग्स हैव बीन चेंज्ड। तो चलिए शुरू करते हैं और इंपॉर्टेंट बुक्स देखते हैं जहाँ से कि हमको पढ़ाई करनी चाहिए, सेल्फ स्टडी करनी चाहिए। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ऐप और टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, राइट। चलिए देखते हैं। देखो सबसे पहले हमको अपने एग्जामिनेशन को देखना है कि भाई कौन कौन से सेक्शंस हैं। तो हमारे एग्जामिनेशन में 4 सेक्शंस हैं, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, इंग्लिश और जीके, राइट। देखो यदि हम रीजनिंग और जीके की बात करें तो आप इन 2 सेक्शंस को एफकेट की जो अरिहंत की बुक है आप इससे कवर कर सकते हैं, बड़े आसानी से हो जाएगा। इंग्लिश तो आपकी सारी कवर हो जाएगी उससे, वोकेबलरी वाले पार्ट को छोड़ के, जैसे कि सिनोनियम्स और एंटोनियम्स, और इसके अलावा idioms एंड phrases और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, बिकॉज इसकी कोई लिमिट नहीं होती है और किसी किताब में सब कुछ नहीं दिया हुआ है, उसकी कोई लिमिट नहीं है, राइट। किसी भी बुक में 2000 दे लेंगे, 3000 दे लेंगे, 1500 दे लेंगे, लेकिन सब कुछ नहीं होगा। तो देखो आपके एफकेट एग्जामिनेशन के लिए इनके अलावा ये जो वोकेबुलरी वाला सेक्शन है और जो आपके idioms, phrases और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इनके अलावा जो भी टॉपिक्स हैं आप उनको एफकेट की अरिहंत की बुक से कर सकते हैं। यदि आपके पास में वो बुक है तो आप आसानी से कर सकते हैं। और ये जो बाकी की चारों चीज़ें हैं जो अभी मैंने मेंशन की हैं इनको भी आप उससे कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको और भी पढ़ना पड़ेगा और वो आपको इंटरनेट से पढ़ना होगा। और जो रिसेंटली क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वोकेबुलरी यानी कि सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, वर्न वर्ड सब्स्टिट्यूशन और idioms और फ्रेजेस से, वो आपको अभी करंट में जो पूछे जा रहे हैं एग्जामिनेशंस में वो देखने हैं। और देखो इसके अलावा एक बहुत ही सिंपल बुक है, बहुत ही सिंपल बुक, जो लोग ऐसे हैं जो कि लर्निंग स्टेज पर हैं, बिगनिंग वाली स्टेज पर हैं या हिंदी मीडियम से हैं, उनकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, तो देखो उनके लिए बेस्ट बुक है जो सिंपल है, नीतू सिंह मैम की एक बुक है, राइट। उनका जो वॉल्यूम 1 है वो बहुत अच्छा है, काफ़ी अच्छे से उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है और आपको आसानी से इंग्लिश समझ में आएगी, सारे रूल्स आपको समझ में आएंगे, जितना भी सिलेबस है इंग्लिश का वो आपको अच्छे से समझ में आएगा, और उसमें ये वोकेबुलरी वाला पार्ट भी अच्छे से दिया हुआ है, लेकिन फिर भी आपको उसके अलावा पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा एक और बुक है बख्शी, लेकिन एफकेट एग्जामिनेशन के लिए आपको ये बुक फॉलो करने की जरूरत नहीं है, इतना ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। वो है यदि आप और भी अच्छे लेवल पर इसको पढ़ना चाहते हैं तब आप उस बुक को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन यदि आप एसएससी के एग्जाम्स और एफकेट के एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं तो नीतू सिंह मैम की जो बुक है ये सफिशिएंट है, बहुत अच्छी बुक है। ऑलराइट, अब देखो यदि हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग को भी आप ये एफकेट की अरिहंत की बुक से बड़े आसानी से कर सकते हैं, जो आपके एग्जाम में जो रीजनिंग आएगी वो इसी लेवल की आएगी। आजकल कुछ क्वेश्चंस को और इंट्रोड्यूस कर दिया गया है जो कि अभी आजकल पूछे जाने लगे हैं। अब पता नहीं ये अरिहंत की बुक में, जो एफकेट की अरिहंत की बुक है उसमें इन्होंने जो उनका लेटेस्ट वर्जन है उसमें इन्होंने इनको अपडेट किया है या नहीं किया है, वो मुझे पता नहीं है क्योंकि मैंने इसका लेटेस्ट वर्जन नहीं देखा है, लेकिन रीजनिंग के लिए ये बुक सफिशेंट है, आप आसानी से कर सकते हैं। ओके, अब देखो बात करते हैं मैथमेटिक्स की। देखो मैथमेटिक्स में आजकल क्या है कि एफकेट का लेवल थोड़ा सा बढ़ता हुआ जा रहा है। देखो कोई भी सेक्शन होता है उसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं,
40% पेपर जो होता है वो होता है बहुत सिंपल, और 40% होता है मॉडरेट लेवल का, और 20% होता है डिफ़िकल्ट। तो सिंपल और मॉडरेट लेवल का जो पेपर है उसको आप, ये अरिहंत की जो बुक है इससे आप कर सकते हैं। अराउंड 60-70% जो पोर्शन है उसको आप अरिहंत की बुक से कर सकते हैं। यदि आप अरिहंत की बुक में जो मैथमेटिक्स है उसको यदि आप करके जा रहे हैं, सभी क्वेश्चन को सॉल्व करके जा रहे हैं, कॉन्सेप्ट समझ के जा रहे हैं, तो आप FCAT की 70% to 75% मैथमेटिक्स को आसानी से कर लेंगे। लेकिन जो रिमेनिंग 25% है उसके लिए आपको थोड़ा सा लेवल बढ़ाना पड़ेगा, उसके लिए अरिहंत की बुक से काम नहीं चलेगा, राइट। अब देखो, बच्चे आपको सजेस्ट करेंगे, यदि आप अपने यार दोस्तों से बात करोगे कि भी RS अग्रवाल फॉलो कर लो, RS अग्रवाल का लेवल बहुत हाई है FCAT के एग्जामिनेशन से, ओके। RS अग्रवाल सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए है, बैंकिंग के जो एग्जामिनेशन हैं, SSC के एग्जामिनेशन हैं, उससे भी ऊपर का लेवल है उसका, ओके। तो आपको FCAT का एग्जाम क्लियर करने के लिए RS अग्रवाल के भंवर में फंसने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि उसमें बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन हैं और उस लेवल के क्वेश्चन आते नहीं है। RS अग्रवाल का जो लेवल है उसमें आपको हार्डली 20% तक जाने की जरूरत है, ओनली 20% तक। वो जो रिमेनिंग 80% है वो आपके FCAT के मतलब का नहीं है। यदि आप उसमें टाइम स्पेंड करोगे तो आप केवल RS अग्रवाल ही पढ़ते रह जाओगे और बाद में ना क्वेश्चन होने और ना आपके अदर सेक्शंस तैयार होंगे, ओके। तो देखो, ये गलती मत करना। यदि आप RS अग्रवाल फॉलो करना चाहते हैं तो उसमें से थोड़ा सा पार्टी जो इजी क्वेश्चन होते हैं वो करने हैं, ये नहीं कि सभी क्वेश्चन को आप एक तरफ से लगाए जा रहे हो और PhD कर रहे हो, राइट। ये गलती नहीं करना है। देखो, RS अग्रवाल से बढ़िया है जो CDS की पाथफाइंडर है उसकी जो मैथमेटिक्स है वो RS अग्रवाल से नीचे है और ये आपके FCAT से ऊपर है। तो यदि आप उससे पढ़ोगे तो उससे आप FCAT को बड़े आसानी से कवर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 100% आप सारे क्वेश्चंस कर लोगे, राइट। अब देखो, मैंने अपना कोर्स इस बार लॉन्च नहीं किया है, अदरवाइज जो क्लासेस होती हैं उससे आप 100% सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं जो मैंने कराया था, पिछली बार कराया था, बट बिकॉज आई एम वेरी मच ऑक्यूपाइड विद माई ऑफिस वर्क सो दिस टाइम आई एम अनेबल टू प्रोवाइड एनी कोर्स। तो देखो, इस तरीके से आप मैथमेटिक्स को कवर कर सकते हैं। अब देखो, बात करते हैं GK की। GK एक समुद्र है, इसके लिए कोई ऐसी एक इकलौती बुक नहीं है जो सब कुछ कवर करती हो। करंट अफेयर्स, ये तो आपको इंटरनेट से ही पढ़ना पड़ेगा, ये तो देखो बुक में हो नहीं सकता कि भाई हर 15वें दिन नया एडिशन तो लॉन्च होगा नहीं। देखो, GK का जो स्टैटिक पार्ट है जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, अब यदि आप इसको FCAT की अरिहंत की बुक से पढ़ेंगे तो वो सफिशियंट नहीं है, ठीक है। उससे क्या है, सारे सिलेबस पे आपकी अच्छी कमांड नहीं बनेगी। इसमें थोड़ी नॉलेज आपको अच्छी चाहिए, थोड़ी डीप नॉलेज चाहिए, लेकिन ये अरिहंत की जो बुक है इसमें बहुत शॉर्ट में दिया हुआ है और आपने शॉर्ट में पढ़ लिया और थोड़ा सा उसने और अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछ लिया तो फिर आप उसको आंसर नहीं कर पाएंगे। तो मेरे हिसाब से, देखो मेरे हिसाब से जो CDS की पाथफाइंडर है उसमें जो ये चारों पाँचों सेक्शंस हैं जो स्टैटिक GK है वो बहुत अच्छे से दी हुई है और उससे आप CDS भी और ये FCAT का एग्जाम बड़े आसानी से क्लियर कर सकते हैं। उसके अलावा आता है करंट अफेयर्स वाला पार्ट। करंट अफेयर्स आपको इंटरनेट से ही फॉलो करनी पड़ेगी, ओके। करंट अफेयर्स में क्या क्या टॉपिक्स हैं, जिन जिन से सेट पैटर्न के क्वेश्चंस बनते हैं, उनको मैं आगे आने वाली वीडियोस में कवर करूंगा, एक सेपरेट वीडियो में लेकर आऊंगा, उसमें सारे टॉपिक्स की मैं आपको एक लिस्ट बताऊंगा जहां जहां से क्वेश्चन आते हैं। तो आप उन टॉपिक्स को इंटरनेट से तैयार करके जाना, यूट्यूब से करो या गूगल विकिपीडिया से करो, कहीं से भी करो, लेकिन आप उन टॉपिक्स को जरूर तैयार करके जाना। देखो, टॉपिक ओरिएंटेड स्टडी होनी चाहिए, ये नहीं कि भाई हमने ये बुक ले ली बस आप उस बुक को पढ़े जा रहे हो, नहीं, बुक ओरिएंटेड स्टडी नहीं होनी चाहिए, टॉपिक ओरिएंटेड स्टडी होनी चाहिए। तो मैं आपको टॉपिक्स बताऊंगा जिनसे आपके FCAT के एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो अगली क्लासेस में किसी एक में मैं जल्दी बता दूंगा आपको, ओके। और स्टडी भी मैं आपको बताऊंगा कि आपको तैयारी कैसे करनी है सेल्फ स्टडी से। तो वो जो क्लासेस होंगी वो आपकी मिस नहीं होनी चाहिए, उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को एक्टिव करना होगा, जिससे कि आपको सभी वीडियोज के नोटिफिकेशन मिलते रहे, ओके। और ये जो सेक्शंस हैं इनमें से कुछ टॉपिक्स मैं भी कवर करवाऊंगा आगे आने वाले दिनों में, तो वो कोई भी क्लास आपकी मिस नहीं होनी चाहिए। अब देखो, यदि मैं ओवरऑल एक बुक की बात करूं, बेस्ट बुक की बात करूं, तो देखो मेरे हिसाब से आपको CDS की पाथफाइंडर फॉलो करनी चाहिए। देखो क्यों फॉलो करनी चाहिए, CDS की पाथफाइंडर से एक तो आपकी GK तैयार हो जाएगी, राइट। जो आप GK पढ़ोगे पाथफाइंडर से उससे FCAT की GK बड़े आसानी से कवर होगी, आप सारे क्वेश्चंस को अच्छे से कर लोगे और आपकी सारी मैथमेटिक्स पाथफाइंडर से कवर हो जाएगी 100%। जो भी FCAT का लेवल है वो आपका पाथफाइंडर से आसानी से कवर हो जाएगा, पूरा 100%, ओके। इसकी देखो इंग्लिश थोड़ी सी आपको डिफिकल्ट लग सकती है पाथफाइंडर की, क्योंकि जो CDS का लेवल है इंग्लिश का और जो FCAT का लेवल है उसमें काफ़ी अंतर है। CDS का लेवल काफ़ी हाई है FCAT के कंपेरिजन में, तो इंग्लिश के लिए आप पाथफाइंडर को
मत पढ़ना क्योंकि उसका लेवल ज़्यादा है और उसमें आपका टाइम भी ज़्यादा लगेगा। और देखो ये रीजनिंग के लिए आप एफकेट की अरियंत वाली जो बुक है उसको आप फॉलो कर सकते हैं क्योंकि उसमें जो लेवल है रीजनिंग का वही एफकेट के एग्जामिनेशन का लेवल है। या आप क्या कर सकते हैं, जो टॉपिक्स हैं उन सभी की आप लिस्ट बना लो और आप उनको कहीं से भी तैयार कर लो टॉपिक ओरिएंटेड, राइट। लेकिन ये एफकेट की अरियंत की जो बुक है इसका जो लेवल है इससे आप आसानी से कर सकते हैं क्योंकि मैंने जो एफकेट का एग्जाम दिया था हमेशा इस बुक को पढ़ के ही दिया था, राइट। बाकी इंटरनेट वगैरह भी हम फॉलो करते थे और CDS की पाथफाइंडर भी मैं फॉलो करता था, इन चीज़ों का इस्तेमाल करके ही हम खूब अच्छा स्कोर कर लेते थे। ओके, तो देखो आपको इस तरीके से तैयारी करनी है। इसके अलावा भी यदि आपका कोई डाउट है सो यू आर मोस्ट वेलकम, यू कैन राइट इट डाउन इन द कमेंट बॉक्स बिलो एंड यू कैन आस्क योर क्वेश्चन ऑन टेलीग्राम ऑल्सो, राइट। ऐप और टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और आगे आने वाले दिनों में मैं एजुकेशन सर्किट के ऐप पर कुछ मॉक टेस्ट डालूंगा एफकेट एग्जामिनेशन के लिए, तो आप उनको जरूर लगा के जाना, उनसे आपको अपना स्टैंडर्ड पता चल जाएगा, अपने वीक पॉइंट्स पता चल जाएंगे जिससे कि आप उन पर काम करके जाएं। ओके, तो चलिए अच्छे से पढ़ाई करिए, गिव योर बेस्ट, डोंट लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर रिटन एग्जामिनेशन एंड देन फॉर योर SSB इंटरव्यू एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे इन दिस क्लास। बाय फॉर नाउ।